माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। काला जादू वो शैतानी वज़ाइफ हैं जिनके आमिल शैतानी कुवतें हासिल करने के लिए उनको पढ़ते हैं और फिर इन शैतानी कुवतों से इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। काला जादू इंसान को बहुत से तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकता है और गौर करने वाले मुख्तलिफ निशानियों से काला जादू के असरात को पहचान लेते हैं। इस वीडियो में हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे जिनका रोनुमा होना काले जादू के असरात को ज़ाहिर करता है। पहले हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पे किए जाने वाले जादू का जिक्र करेंगे जिसके बारे में हुजूर अलैहि सलाम को ख्वाब में मुत्तला किया गया। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया और कैफियत ये हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम समझने लगे कि फला काम आपने कर लिया है, हालाँकि वो काम आपने नहीं किया था। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी, फिर आपने फरमाया तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मुझे वो बात बता दी है जो मैंने उससे पूछी थी। पूछा गया अल्लाह के रसूल वो ख्वाब क्या है, फरमाया मेरे पास दो मर्द आए और एक मेरे सर के पास बैठ गया और दूसरा पाँव के पास। फिर एक ने अपने दूसरे साथी से कहा इन साहब की बीमारी क्या है, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ है। पहले ने पूछा किसने जादू करवाया है, जवाब दिया कि लुबैद बिन आसम ने, ये दोनों फरिश्ते थे असल में। पूछा वो जादू किस चीज़ में है, जवाब दिया कि कंगी पर खजूर के खोशे में। पूछा वो है कहाँ, कहा कि ज़रवान में, और ज़रवान बनी ज़रीक का एक कुआँ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम उस कुएँ पर तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो फरमाया वल्लाह इसका पानी तो मेहंदी से निचोड़े हुए पानी की तरह था और वहाँ के खजूर के दरख्त शैतान के सर की तरह थे। बयान किया कि फिर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्हें कुएं के मुतालिक बताया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर आपने उसे निकाला क्यों नहीं, आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी और मैंने ये पसंद नहीं किया कि लोगों में एक बुरी चीज़ फैलाऊं। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सूरतें पढ़ने लगे, एक एक आयत पर एक एक गिरह खुल गई। ये मुआवज़तैन थीं, सूरह फलक और नास, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को बिल्कुल शफा हो गई। वाज़ह रहे कि जादू एक मर्ज़ है, दीगर अमराज की तरह ये भी अम्बिया अलैहिस्सलाम को लाहक हो सकता है। कुरान और हदीस में कहीं ये जिक्र नहीं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पे जादू नहीं हो सकता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह फलक और नास पढ़ते जाते एक एक आयत पे और गिरह खुलती जाती और जादू ख़त्म होता जाता। सामीन कराम, काले जादू की जो निशानियां हैं वो ये हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी डरावने ख्वाब तो सभी को आते हैं, मगर अगर ये ख्वाब एकदम आना शुरू हो जाएं और मुसलसल आ रहे हैं और आपको नींद से बेदार कर देते हैं तो ये पहली निशानी है कि आप पे काला जादू के असरात पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि डरावने ख्वाब आमतौर पर पेट ख़राब या गैस की वजह से भी हो जाते हैं या हाई शुगर की वजह से भी हो जाते हैं और आप जैसे ही बीमारी पे काबू पा लेते हैं उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लिहाजा डरावने ख्वाबों को सिर्फ काले जादू से ही महदूद कर लेना मुनासिब नहीं है। दूसरा जो असर काले जादू का है, उस निशानी जिसमें काले जादू का शिकार अपने आसपास किसी को महसूस करता है मगर देख नहीं पाता, उसे लगता है कि किसी ने उसके बाजू या जिस्म के किसी हिस्से को छुआ है मगर आसपास कोई नहीं होता। ऐसे मौके पर वो ये भी महसूस कर सकता है कि किसी ने उसे आवाज़ दी है, उसका नाम पुकारा है और पास कोई भी नहीं होता। आम इस्तेमाल की चीज़ों का मामूल की जगह से गायब हो जाना और ढूंढने से ना मिलना और फिर थोड़ी देर बाद उस चीज़ का मामूल की जगह पे वापस आ जाना भी शैतानी कुव्वतों के आसपास होने की एक निशानी है। काले जादू की तीसरी निशानी ये है कि बिजनेस में नुकसान पहुँच सकता है या जॉब छूट सकती है। आपके इर्द गिर्द बिला वजह ऐसे मामलात खड़े हो सकते हैं जिन पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। काले जादू के असर जाहिर करने वाली ये वाज़ह निशानी है जिसमें बग़ैर किसी बीमारी के आपकी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। आप बिला वजह थकावट महसूस करते हैं, तवज्जो में कमी आ जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, दिमागी फिक्र लाहक हो जाती है और आपका कोई काम करने और घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। काले जादू के साथ आप में खौफ पैदा करते हैं, आपकी नींद मुतासिर करते हैं, आपका ज़िंदगी से रुझान ख़त्म करते हैं, आप में नाउमीदी पैदा करते हैं और आपको शदीद प्यास लगती है। आप अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहने लगते हैं, जिस्म ठंडा होने लगता है और रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दूसरे लोगों के दरमियान आपको उलझन होनी शुरू हो जाती है।
अगली निशानी जिसमें अचानक आपके ताल्लुकात रिश्तेदारों से ख़राब हो जाते हैं, जिन रिश्तों से आप प्यार करते हैं वो बिला वजह लड़ाई की वजह से आपसे दूर हो जाते हैं। काले जादू की एक और निशानी है कि आपको बिजनेस में शदीद नुकसान पहुंचने का एहतमाल होगा। बगैर किसी वजह से आप अपने रेगुलर कस्टमर्स को खोना शुरू कर देते हैं और बाज़ोकात ये असरात आपको खुदकुशी करने की भी तरगीब देते हैं। ऊपर दिए गए असरात जब जाहिर होते हैं और इंसान तवज्जा नहीं देता तो आहिस्ता आहिस्ता ये असरात गहरे होते जाते हैं, और जैसे जैसे आप पर मंत्र पढ़ने वाले अपने अमल को पूरा करते जाते हैं आप में मज़ीद निशानियाँ जाहिर होना शुरू जाती हैं, जिनमें आप ऐसे डरावने ख्वाब देखते हैं जिनमें आपको कोई कत्ल करना चाहता है। ख्वाब में अक्सर लोग मुर्दा दिखाई देते हैं। ख्वाब में सांप और गंदी जगह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अचानक ख्वाब से बेदार होते हैं तो सांसें फूली हुई होती हैं। ख्वाब में अक्सर किसी बुलंद जगह से गिरना और खौफजदा होना भी काले जादू के असरात को गहरा होना को साबित करता है। आपको ख्वाब में बिच्छू, कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ तंग कर सकती हैं। बेदारी पर आंखों के सामने काले धब्बे और धुंध का फैलना भी काले जादू के साथ गहरे होने की निशानी है। काला जादू जब पूरी तरह असर कर जाता है तो पेट हामला औरत की तरह फूल जाता है और नाफ के गिर सख्ती पैदा हो जाती है, और छूने पर लगता है कि अंदर कोई गेंद है। कंधों में खिंचाव और सीने पर भारीपन महसूस होता है। शैतानी कुव्वतें जब जिस्म पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेती हैं तो आपको शदीद भूख लगती है और बार बार लगती है। मुसलसल सर दर्द और रंग काला होना शुरू हो जाता है। नाखूनों का रंग बदल जाता है। जिस्म पर ख़ारिश होती है और एलर्जी होना शुरू हो जाती है। आप महसूस कर सकते हैं कि किसी कीड़े ने आपको काटा है और जिस्म के किसी हिस्से पर शदीद जलन अचानक शुरू हो जाती है। काले जादू का जो आखिरी स्टेज है, सबसे सीरियस स्टेज, इससे वापसी सिर्फ वज़ाइफ के ज़रिए ही मुमकिन है, क्योंकि जादू जिस्म के बहुत से अज़ा को नाकारा कर चुका होता है। इस स्टेज पे जो निशानियां ज़ाहिर होती हैं उनमें खून का कैंसर और जिस्म के किसी और अज़ा का कैंसर सरफहरिस्त है। गुर्दे सिकुड़ सकते हैं और नाकारा हो सकते हैं। हार्ट अटैक और अचानक मौत वाक़ हो जा सकती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप पर अद्वियात का असर नहीं होता और डॉक्टर्स को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पर वो अद्वियात को मज़ीद बढ़ा देते हैं, जो जिस्म को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का बाइस बनती हैं। जिस्म के नमी वाले हिस्सों पर ख़ासतौर पर टांगों के दरमियान दाग पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन में माहवारी रुक जाती है, गैर मुसलसल हो जाती है, माहवारी में दर्द पैदा होता है और खून का रंग गहरा हो जाता है। हामला औरतों में बच्चा ज़ाया हो जाता है। ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें कोई गंदी रूह आपके साथ ममनू फैल सर अंजाम दे रही है। दुआ में दिल लगना बंद हो जाता है। दुआ करने वाले वजीफे से जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और आपका दिल शैतानी कामों की तरफ रागिब होना शुरू हो जाता है। ये निशानियाँ पूरे चांद से 2-3 दिन पहले और अमावस की रातों से 2-3 दिन पहले मज़ीद गहरी हो जाती हैं, जो इस बात की ख़ास निशानी है कि जिस्म किसी बीमारी का शिकार नहीं होता बल्कि शैतानी कुव्वतों का शिकार है, जिससे आपकी जान को ख़तरा है और आपको मदद और रूहानी इलाज की ज़रूरत होती है। आमतौर पर लोग किसी जिस्मानी या हालात में तब्दीली की वजह से भी वहम का शिकार हो जाते हैं कि काला जादू हो गया है, और बिला वजह छोटे आमलों के पास जाके अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इसलिए पहले गौर कीजिए और इन निशानियों को पहचानिए और उसका सिर्फ और सिर्फ रूहानी इलाज कीजिए। सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने से हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे तमाम जादुओं से भी बचा जा सकता है और तमाम किस्म के बद असरात से भी बचा जा सकता है। लिहाजा पूरी कोशिश करें कि सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, सब पे दम करें। दूसरा, काले जादू के जो असर आते हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह, कैंसर वगैरह हो जाना, ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह चाहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल पूछा गया, हदीस का मफहूम है कि रसूलल्लाह, क्या ये काला जादू कुदरत के ख़िलाफ़ होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अल्लाह की कुदरत और मशीयत के तहत ही होता है, क्योंकि किसी इंसान की किस्मत में अगर कोई गम, दुख या कोई बीमारी आनी होती है तो वो फिर काले जादू की सूरत में आ जाती है, और ये सब अल्लाह की मशीयत के ताबे होता है। शैतानी कुव्वतों को भी कोई इतनी ताकत हासिल नहीं है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कुछ काम कर सकें।